अनंत विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिये पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुणाकरंतम् श्रीरामचंद्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणम् प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सदगुरु देव की जय। ओ पार्वती पतये हर हर महादेव। राम राम सीता राम 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 सीता।
दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकम् राघवं रावणारिं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवान् भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान्
अखिलांतरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभृदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्रीरामचन्द्र अमित छवि नवनी
कृपालु भज मन हरन भव भदारुणम हरन भव भयदारुणम्
श्री राम 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक हलचार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर विहारी रामाय राम भद्राय
चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। परम कृपालु करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के परम अनुग्रह से यहाँ विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में चैत्र नवरात्र के पावन समय में महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के शुभ कर कमलों से दीप प्रागट्य और आशीर्वचन के साथ हम सभी इस मानस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। परम भगवदीय पद्मश्री बंसीलाल जी राठी और उनके परिवार के मन में एक संकल्प था कि हमारे जन्मभूमि के गांव में नवदिवसीय राम कथा यज्ञ कभी संपन्न हो। ये मणिकांचन संयोग है कि कल ही महामहिम राष्ट्रपति जी के करकमलों से पद्मश्री सम्मान से उनको विभूषित किया गया। साथ साथ ये उनका अमृत महोत्सव का वर्ष है। इसलिए यह आयोजन बंसीलाल जी ने नहीं किया, उनके पुत्रों ने किया। सारा जिम्मा भी भाई श्री नवल, अशोक और नरेंद्र के सिर पर था। और यह कथा मैंने बंसीलाल जी को नहीं दी, उनके पुत्रों को दी है, क्योंकि बच्चे ही अमृत महोत्सव मनाएंगे पिता का। दक्षिण भारत सत्संग समिति का कुछ वर्ष पूर्व गठन हुआ और उस सत्संग समिति के तत्वावधान में दक्षिण भारत के विविध
स्थानों में और विशेष करके दक्षिण भारत के तीर्थों में कथा का आयोजन होता रहे, यह भावना थी। और उसी समिति के तत्वावधान में और भगवदीय श्री बंसीलाल जी के मार्गदर्शन में भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों में कथाएं आयोजित होती रहीं। चेन्नई में हुई, रामेश्वर में हुई और गत वर्ष भगवान श्री रंगनाथ जी के सानिध्य में त्रिचिनापल्ली में भी कथा संपन्न हुई। वो सब उनके आयोजन थे, उनका उसमें विशेष रूप से योगदान रहा। लेकिन यह आयोजन पिता के प्रति अपना आदर प्रकट करने, पिता के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए, उनको जो प्रिय है उस हनुमान जी के सानिध्य में इस पावन प्रांगण में, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने अभी अभी बताया कि हनुमान जी किस पूजा से प्रसन्न होते हैं सबसे ज्यादा, तो बस वो राम कथा ही है। राम कथा ही हनुमान जी को प्रसन्न करने वाली। तो श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और प्रसन्न हनुमान जी के आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव पिता के ऊपर बरसती रहे। और जिस अमृत का हनुमान जी महाराज निरंतर पान करते हैं इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, राम कथामृत का वितरण हनुमान जी के साथ साथ हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर जन्मभूमि की सब जनता भी करें, इस भाव से यह आयोजन हुआ है। धूप है चैत्र की, जितनी धूप बढ़े बरसात की संभावना बढ़ती। यदि धूप न हम सहें, यदि यह धूप न हो तो बारिश भी नहीं हो सकती। ये कृपा सूर्य नारायण की। सूर्य विश्व की आत्मा है। सूर्य को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म कहा, असाव आदित्यो ब्रह्म। यह जो आदित्य है, सूर्य है, वह ब्रह्म है। शास्त्रों में सूर्य नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप माना गया। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। यही सृष्टा है, ब्रह्मा है। यही पालक हैं, विष्णु हैं। और यही संहर्ता है, शिवरूप है। यह आदित्य ब्रह्म है। और सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव है। प्रातः काल उठते ही हम सबसे पहले जिस देव का स्मरण करते हैं, नमन करते हैं जिन्हें, वो है सविता सूर्य। जो प्रातः काल नित्य आदित्य की वंदना करता है, उसके जीवन में कभी दारिद्र नहीं हो सकता। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यन्नोपजायते। आदिदेव नमस्तुभ्यं
प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। उस दिवाकर प्रभाकर आदित्य सविता भानु खग कितने नाम हैं। सुबह सुबह जब सूर्य नमस्कार करते हैं हमारे छात्र तो सूर्य नारायण को भिन्न भिन्न नाम से संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। देखो व्यायाम भी होता है और साथ साथ पूजन भी होता है सूर्य नमस्कार के द्वारा। शरीर की सर्वांग एक्सरसाइज होती है, सर्वांग व्यायाम होता है। सूर्य को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। वह सविता, वह आदित्य, वह भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, सूर्य, नित्य पूजनीय है, नित्य वंदनीय है। क्यों? तीन बातें सूर्य से सीखनी है। पहली बात, नो वेकेशन। दूसरी बात, नो एक्सपेक्टेशन। तीसरी बात, नो डिस्क्रिमिनेशन। तीन बातें। पहली बात, नो वेकेशन। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदं समाः। कर्म करते हुए 100 वर्ष पर्यंत जीने की इच्छा करो, लंबा जियो, निरामय होकर जियो। ये निरामय आयु को प्रदान करने वाले देव कौन हैं? बोले सूर्य। आरोग्यम भास्करादिच्छेत, आरोग्य की कामना करनी चाहिए सूर्य से। निरामय और दीर्घ जीवन यदि चाहते हो तो सूर्य की उपासना करो। भगवान राम सूर्यवंशी, सूर्यवंश में प्रकट हुए, इसलिए सूर्य की चर्चा कर रहा हूं। लंबा और निरामय जीवन सूर्य से मिलेगा। तीन बातें सीखनी है, नो वेकेशन। प्रमादी मत बनो, आलसी मत बनो, सूर्य की भांति पुरुषार्थी बनो। सूर्य नारायण कभी छुट्टी पे गए? गर्मियों में बच्चों की छुट्टी रहती है स्कूलों में, बच्चों को लेकर लोग हिल स्टेशंस पर चले जाते हैं छुट्टियों में घूमने, लेकिन सूर्य नारायण ने कभी छुट्टी ली? सूर्य नारायण कभी बीमार हुए क्या? वे सिक लीव पर गए कभी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 15 दिन काम पर नहीं आएंगे, ऐसा सूर्य नारायण ने कभी कहा? नो वेकेशन। संध्या समय में सूरज ढलता है, रात होती है, हम भोजन आदि करके थके हुए सो जाते हैं, लेकिन सूर्य सोने नहीं गए, वे तो अमेरिका वालों को जगाने गए। सूर्य कभी सोते नहीं, वे निरंतर अपने कर्म योग में लगे हुए हैं। वो तो बच्चे थक गए हैं तो बच्चे को जिस प्रकार पलंग पर सुलाकर, चादर ओढ़ाकर और लाइट बंद करके उसको चूमी लेती हुई माँ उसके सिर पे हाथ फेरती हुई कि सो जाओ बेटे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्लीप वेल, लव यू बेटा, ठीक से सोना, और चली जाती है। बस उसी तरह अंधकार की चादर ओढ़ा के थके हुए हम जीवों को आराम देने के लिए सूर्य नारायण तो स्विच ऑफ कर देते हैं लाइट, अंधकार की चादर ओढ़ा के चले जाते हैं।
कि बेटा आराम करो। राम के पीछे नहीं जाते, हराम के पीछे जाते, इसलिए हैरान होते। परमार्थ की जगह स्वार्थ ने ले ली है। हम अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। कितने गिरे हुए, हम अपना भी अकल्याण करते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ऐसी जिनकी वृत्ति है वही राक्षस है। रामायण में राक्षस उसी को कहा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, वो साधु पही करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जान हुने से चर सब प्राण। करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीदही विप्र धेनु सुर धरनी। जो अपने स्वार्थों के लिए दूसरों को दुखी करते हैं, ये असुर वृत्ति वाले लोग, उनके मन में राम नहीं है, उनके मन में हराम का पैसा ही कमाने की वृत्ति रहती है। वे हैरान होते हैं और हैरान करते हैं, ये राक्षस है। तो अपने मन में राम का चरित्र रखो, राम चरित मानस। जिस प्रकार शंकर जी ने अपने मन में राम का चरित्र रखा है, उसी प्रकार मन में राम का चरित्र रखो तो राम के गुण हमारे जीवन में आएंगे। हमारे पूज्य, हमारे आदरणीय, हमारे आदर्श मूर्ति राम हैं। पता नहीं मुख से राम राम करते हैं, लेकिन लोग फॉलो करते हैं रावण को, अनुयायी रावण के, कहलाते हैं राम के भक्त, मुख से राम राम बोलते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी अद्भुत बात कही कि वैसे तो दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे, दशरथ जी का शासन था पूरी पृथ्वी पर, लेकिन उसी वक्त रावण भी मंडलीक मणि बनकर के उभर रहा था। मंडलीक मणि रावण राज करई निज तंत्र। मंडलीक मणि का मतलब होता है चक्रवर्ती, तो रावण भी चक्रवर्ती बनकर के उभर रहा था। देखा जाए तो एक साथ दो चक्रवर्ती नहीं हो सकते, लेकिन एक तरफ तो दशरथ जी है चक्रवर्ती। दशरथ जी माने वेद। वैसे तो लोग वेद की बातें मानते हैं, वेद वैदिक क्रियाकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दूसरी ओर रावण चक्रवर्ती बनकर के उभर रहा था, यानी लोगों के मन पर, लोगों की वृत्तियों पर, लोगों के विचारों पर धीरे 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 दशाननी वृत्ति हावी होती जा रही थी, दशाननी वृत्ति का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो कहने के लिए हम राम के भक्त हैं, राम का नाम लेते हैं, लेकिन हम वाकई फॉलोअर है रावण के। इसलिए मन में रावण को नहीं, मन में राम को रखो, राम का चरित्र मन में हो। राम चरित मानस, मन में श्री राम का चरित्र। उपाय सुसमय शिवासन भाखा। योग्य समय जब आया तो महादेव जी ने यह कथा, यह चरित्र पार्वती जी को सुनाया, इसलिए इसका नाम है राम चरित मानस। नदी की भांति है, नदी जैसी निर्मलता, नदी जैसी शीतलता, नदी जैसी पावनता, नदी के गंगा के जल जैसी मधुरता, सब आपको रामायण में देखने को मिलेगा। नदी आपको नहलाती है, आपको पवित्र करती है, आपके मैल को मिटाती है। ये कथा भी आपको निर्मल करेगी, और बिना निर्मलता के भगवान राम की प्राप्ति संभव नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट
छल छिद्रन मन जब तक निर्मल नहीं होता तब तक भगवान श्री राम की प्राप्ति नहीं होती। श्री राम का मतलब है अखंड आनंद, श्री राम का मतलब है नित्य शांति, श्री राम का मतलब है असीमित सुख। क्योंकि राम कौन है, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो अपने लिए आनंद नहीं चाहता, जो सुख की कामना नहीं करता, जिसके मन में शांति की इच्छा नहीं है, ऐसा कौन है? नित्य सुख, नित्य आनंद और नित्य शांति के ही योग का दूसरा नाम है श्री राम। इस अर्थ में दुनिया में सभी राम के चाहक हैं, चाहे जिस संप्रदाय के हो, चाहे जिस राष्ट्र में रहने वाले हो, जिस भाषा भाषी हो, सभी राम प्रेमी हैं, राम की चाहत से भरे हुए। अरे आप जो कुछ खेती बाड़ी करते हो, व्यापार करते हो, संसार करते हो, सब सुख की चाहत के लिए तो करते हो, सुख की चाहत के चलते करते हो, लेकिन ये सब लौकिक सुख है, सांसारिक सुख है, ये नश्वर है। लेकिन नित्य सुख, नित्य शांति और नित्य आनंद का जो योग है उसी का नाम है श्री राम। वे सब चाहते हैं लेकिन उसके लिए आवश्यक है मन की निर्मलता। मन की निर्मलता के लिए दो बातें हैं, या तो आदमी खुद पुरुषार्थ करे, अपने कपड़े को धोए, या मां कहती बेटा तू रहने दे मैं धो दूंगी। आदमी खुद तपस्या करे, साधन करें, जप करें, योग अनुष्ठान करें, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि इस कलिकाल में वे सब साधन उतने कारगर नहीं होते। एही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, एहि कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा आदि आदि साधन उतने कारगर सिद्ध नहीं होते। उन उन साधनों का तो बड़ा महत्व है, लेकिन इस कलिकाल में उन उन साधनों के अनुष्ठान के लिए हम लोग योग्यता गंवा चुके, हमारे में वह पात्रता नहीं रही कि हम उन साधनों का अनुष्ठान करें, उन साधनों का आश्रय करें। योग, आजकल लोग योग करते हैं वो स्वास्थ्य के हिसाब से, लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, अच्छी बात है। सुबह सुबह उठ करके बिल्कुल शिविर में पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रायः क्या होता है कि हम जब अपने स्वास्थ्य की कामना के हिसाब से वहां जाते हैं तो हमारा वह योग आसन और प्राणायाम दो ही अंगों तक सीमित रह जाता है, जबकि आसन और प्राणायाम के पहले और दो चरण हैं, यम और नियम, बाद में नंबर आता है आसन का, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग है। तो प्रायः हम आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रहते हैं, और वो भी स्वास्थ्य की इच्छा से, शरीर स्वस्थ रहे, हम फिट रहें, हमारा हमारी बॉडी शेप में रहे ताकि हम सुंदर दिखें।
और योग का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवान के साथ युक्त होना, उस परमात्मा से युक्त होना। लेकिन किसको भगवान से युक्त होना है? तो इस कलिकाल में एक तो योग का अनुष्ठान उन योगियों की भांति हम नहीं करते, और करते तो अधूरा ही है, एक दो अंग का ही अवलंबन करते हैं, ये भी अच्छा, गोलियां खाने से, दवाइयां पेट में उड़ेलते रहने से, न जाने कितने केमिकल्स हम शरीर में डालते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी पीते रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। उससे अच्छा है कि जब हम सीखें कि भाई क्या खाएं, शरीर के लिए क्या योग्य आहार है, और सुबह सुबह उठ करके आसन करें, प्राणायाम करें। आज तो एक जागृति की लहर चली हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज के चलते, और दूसरे भी कई योगी हैं, योगाचार्य हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो अच्छा, एक लहर चली। लेकिन इस कलिकाल में योग का अनुष्ठान करते हुए उसका जो चरम लक्ष्य है, उस परमात्मा से, उस परम सत्ता से एक हो जाना, भगवत प्राप्ति, वो हमारा लक्ष्य नहीं रह गया। योग, यज्ञ, कितने यज्ञ विधि पूर्वक होते हैं कलिकाल में, कुशकंडी का कितने आचार्य कराते हैं, अरे कितने जानते हैं, यदि वे जानते हैं तो कितने यजमानों की तैयारी है उन सब विधियों को प्रेम से करने की। ग्रह शांति 3 घंटे में करा देते हैं, इंस्टेंट चाहिए ना, अब तो समय नहीं है किसी की बात। किसी ने बहुत बढ़िया बताया कि जिस समय, जिस दिन आदमी के पास घड़ी नहीं थी तो समय बहुत था, भागते दौड़ते रहते। इस आपाधापी की जिंदगी में, विवाह आदि कार्यों में भी लोग कहते हैं पंडित जी जल्दी करना, जल्दी करना, बाद में रिसेप्शन है और उसके पहले कन्या को फिर से ब्यूटी पार्लर में जाना है। तो ब्यूटिशियन को जितना समय देती है कन्या, उतना समय भी पंडित को नहीं देती। अरे लाली करते रहने से, लाली तेरी शादी नहीं टिकेगी बेटा, जरा विधि पूर्वक तू करने दे पंडित जी को अपना कार्य। दूल्हे को लेकर के आते हैं बराती, नाचने गाने में और बैंड बाजा में 1.5 घंटा चला जाता, और शादी की रस्में अभी राजस्थान में तो अच्छा है, रात में भी रस्में होती हैं और बहुत विधि पूर्वक होती है, लेकिन हमारे प्रांत में हमने देखा 1.25 घंटे में तो सब खत्म। तो कहां यज्ञ उतने विधि पूर्वक होते हैं? योग, यज्ञ, जप, जप पूरे विश्वास के साथ होने चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए, मंत्र सिद्ध महापुरुष से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। उस जप के देव कौन है, उस जप, उस मंत्र का बीज कौन है, उस मंत्र का ऋषि कौन है, आदि आदि सब जानकारी अपने सदगुरु से प्राप्त कर लेनी चाहिए, और दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप होना चाहिए। संदिग्धो ही हतो मंत्र। रामचरितमानस में भगवान राम ने शबरी जी को नवदा भक्ति का जब उपदेश किया तो 5वीं भक्ति यही बताया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़
विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप या पांचवी भक्ति है। हम जप करते हैं लेकिन मंत्र में विश्वास नहीं, इष्ट में विश्वास नहीं, क्योंकि सदगुरु से लिया नहीं, सदगुरु का सेवन किया नहीं। और एकदम शीघ्रता में करते हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि गुरु ने नियम दिया है तीन माला जपे बिना चाय भी नहीं पियोगे, तो कभी लेट उठे, चाय सामने रख के चला गया घर का कोई व्यक्ति, तो कहीं चाय ठंडी ना हो जाए, तो फिर माला की स्पीड आहा, जैसे राजधानी छूटती है दिल्ली से, अतिशीघ्रम विनश्यति। माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो चौदिशी फिरे ऐसो सुमिरन नाई। माला बनाई काष्ट की बीच में डाला सूत, माला बिचारी क्या करे जब फेरन वाला कपूत। जब जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं हो रहा। योग यज्ञ जप तप, तब के लिए जिस सहिष्णुता की आवश्यकता होती है वो कहाँ है अब लोगों में। एयर कंडीशन कमरों में रहने वाले हम बैसाख की धूप भी सहन नहीं होती, कैसे तप करें। और वहां बद्रीनाथ में भगवान नारायण तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं तो उनके शरीर में इतना तप का ताप, तो उसके कारण शरीर गर्म रहता है, तो बद्रीनाथ की उतनी ठंडी में भगवान नारायण की चंदन से अर्चा होती है, पूरे शरीर पर चंदन का लेप होता है। अब ठंडी के दिनों में आपके शरीर पर कोई लेप लगावे चंदन का तो, लेकिन बद्रीनाथ की ठंडी में भगवान नारायण की चंदन अर्चा होती है। लक्ष्मी जी बाहर साथ नहीं बिराजती, जिसको भी तप करना हो उसको लक्ष्मी को बाहर ही थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। हम तो बिल्कुल जेब में रखते हैं क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए सुविधा के लिए। पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। तो तप के लिए जिस सहनशीलता की आवश्यकता होती है वो नहीं है। हमने देखा है कुंभ में नंग धड़ंग बाहर पड़े रहते हैं इतनी ठंडी में प्रयाग में साधु लोग, और बैसाख में धुना तापते हैं, धुनी तापते हैं, चारों तरफ आग, धुना लगाते हैं और बीच में बैठ जाते हैं। क्या सहिष्णुता। योग यज्ञ जप तप व्रत, व्रत में जिस संयम की अपेक्षा है उसका अभाव है कलिकाल में। एकादशी का व्रत किया तो इसका मतलब यह है कुछ खाना नहीं, लेकिन हम अब तो फलिहार करते हैं। अग्यारस मतलब 11 प्रकार के रस बना के खाना, अग्यारस का मेन्यू तो देखने जैसा होता, रोज जितना नहीं खाते उतना एकादशी के दिन खाते। फराली चिवड़ा, फराली कितनी मिठाइयां, कितनी सब्जियां, कितने वो साबुदाना के बड़े बनते हैं। आपको बताऊं फराली मसाला डोसा भी बनता, मैंने खाया, रेसिपी पता नहीं इसलिए बता नहीं सकता, लेकिन फराली मसाला डोसा हमारी माइयों ने हमको बना के खिलाया। मसाला डोसा आया तो हमने कहा राजा आज तो एकादशी है ये नहीं खा सकते, तो बोले फराली है भाई श्री, टेस्ट करिए मजा आएगा। जिस संयम की आवश्यकता है व्रत के लिए उसका अभाव। और पूजा में सावधानी की जरूरत होती है, मन इधर उधर भटक रहा है, बैठा है पूजा करने, फिर पंडित जी कहते हैं पानी पीने के लिए, तब छोड़ देता है, छोड़ने के लिए बोलते हैं तब पी जाता है, सावधानी नहीं है। एक जगह पंडित जी बोले नेत्रोदक स्पर्श, आंख को जल लगाओ, तो उसने जल लेकर के पंडित जी की आंख को लगाया, तो पंडित जी ने कहा भाई अपनी आंख से लगा, लेकिन ध्यान इधर उधर है, सावधानी नहीं है।
मंत्र मंत्रांत क्रिया उस क्रम के अनुसार ठीक से कार्य होना चाहिए, लेकिन पूजा में जिस सावधानी की अपेक्षा है, आवश्यकता है, वह कलिकाल में दिखती नहीं है। फलस्वरूप इन सभी साधनों के अनुष्ठान के लिए हमारे में इस कलिकाल में योग्यता नहीं रह गई है, तो क्या करें? दो ही उपाय। राम ही सुमीरिय गाइय, राम ही सुमीरिय गाइय, राम संतत सुनिया राम जप तप व्रत पूजा जो जप तप व्रत पूजा जप तप व्रत पूजा जप तप भगवत कथा आपको निर्मल करेगी। राम का स्मरण करो, राम की कीर्ति का, गुणों का, लीलाओं का गायन करो, भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करो। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही और संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, भगवान की कथा का आश्रय करो, कथा निर्मल करेगी। जिस प्रकार गंगा स्नान निर्मल कर देता है, उसी प्रकार राम कथा गंगा का निमज्जन भी निर्मल कर देगा। भगवत कथा का आश्रय करो, और दूसरे भगवती मां जानकी जी के चरणों का आश्रय करो, तो उसकी कृपा से भी मति निर्मल हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। तो कथा भी माता है और सीता भी माता है, कथा का आश्रय करो और किशोरी जी के चरणों का आश्रय करो, उनकी कृपा से मति निर्मल होगी, और जब मति निर्मल होगी, मति शुद्ध होगी, तब राम मिलेंगे, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावे। राम मिलेंगे का मतलब है अखंड आनंद मिलेगा, नित्य सुख मिलेगा, नित्य शांति का अनुभव करोगे, जो कि सबकी वास्तविक चाह है। यही तो तुम चाहते हो, यही तो संसार के लोग चाहते हो, तो इसी भाव से श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो और ये कथारूपी माता की गोद में 9 दिन बैठना है कि उसकी कृपा से हमारी मति निर्मल हो, शुद्ध हो। बहुत आवश्यकता है कथा गंगा व पावनता, निर्मलता, मधुरता, शीतलता
और गतिशीलता, ये सारे गुण जो गंगा में हैं उससे तुमको युक्त करेगी। आइए कुछ मिनट भगवान श्री राम के नाम के पावन संकीर्तन की ध्वनि के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय प्यार से गाइए हरि राम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। तालियां बजाते हुए जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय। बैठ जाइए प्रेम से कीर्तन करिए। जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में बैठकर
श्री हनुमान जी जिस राम कथा के नित्य रसिया है, उस राम कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, मन को निर्मल करें। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्रीमद् भागवत भी कहता है, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई ही। सत्ययुग में ध्यान करने से परम तत्व की अनुभूति होती है। त्रेता में यज्ञ के द्वारा लोग भगवत प्राप्ति करते हैं, द्वापर में भगवान की अर्चना पूजन साधन माना गया है, कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलिकाल में भगवान के गुण नाम और लीलाओं का संकीर्तन करने से भगवत प्राप्ति कही गई है। कलिकाल वैसे चारों युगों में सबसे निकृष्ट माना गया है, लेकिन उसी कलिकाल में भगवत प्राप्ति को सरल बताया गया है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कलिकाल की सराहना करी। अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है, कलिकाल में भगवत प्राप्ति सरल है। केवल कीर्तन से, कपट छोड़ करके कीर्तन करें। चौथ भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान, श्री राम जी कहते हैं। या तो भगवान के कीर्तन का ऐसा प्रभाव है कि कपटी भी यदि कीर्तन करने लग जाए तो एक ना एक दिन उसका कपट छूट ही जाएगा, कीर्तन छुड़ा देगा कपट। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, कीर्तन शब्द का उल्टा करो तो होता है नर्तकी। माया नर्तकी है, वह हम सबको नचाती है। माया रूपी नर्तकी के मोह पाश से मुक्त होना है तो माया को नचाने वाले जो हैं परमात्मा, उनके गुण नाम और लीलाओं का कीर्तन करो। तो भगवान की कथा, राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्रामही। श्री राम का स्मरण, श्री राम के गुण का गायन कीर्तन और भगवान श्री राम के दिव्य चरित्रों का श्रवण, यही कलिकाल में सरलतम और श्रेष्ठतम उपाय है। और वो भी श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में। और वास्तव में जहां भी राम कथा होती है वह हनुमान जी तो होते ही हैं श्रोता के रूप में। कोई बड़े आदमी के साथ बैठना मिल जाए कभी तो कितना आनंद होता है कि हमने उस कार्यक्रम को बिल्कुल उस बड़े महानुभाव के बगल में बैठ करके देखा। हम बिल्कुल बगल में बैठे थे, कभी मुख्यमंत्री के बगल में अपनी कुर्सी पड़े, कितना गौरव होता है। बस हम बिल्कुल बगल बगल में बैठे, हमारे फोटो आप देखना। तो उससे भी
विशेष आनंद की बात, विशेष गौरव की बात तो श्रोताओं के लिए ये है कि बता आपके बगल में बैठ करके कौन सुन रहा है कथा? श्री हनुमान जी। हनुमान जी के बगल में बैठ करके कोई भी राम कथा सुने, हनुमान जी के बगल में बैठ करके सुनता है। हनुमान जी के साथ, हनुमान जी के पास बैठ करके राम कथा सुनने का आनंद। कोई यदि पूछे कि दिखते क्यों नहीं, अरे भाई पवन पुत्र है, पवन दिखता है क्या? तो पवन का बेटा कैसे दिखेगा? लेकिन हां, जब हम स्थापना करते हैं मूर्ति की और प्राण स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उस रूप में हमको दिखते भी हैं, दर्शन भी देते हैं। बाकी तो पवन तनय बल पवन समाना, पवन के पुत्र है, बल पवन के समान है। पवन न हो तो जीवन संभव नहीं, हवा न हो, प्राणवायु न हो तो क्या जी सकते हो? हनुमान जी महाराज भी प्राण शक्ति सदैव हमारे साथ, सदैव हमारे पास। हनुमान जी को राम कथा बड़ी प्रिय है। राम कथा सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के चरित्र को सुनने में हनुमान जी को बड़ा आनंद आता है। हनुमान जी रामायण के परम श्रोता भी हैं, हनुमान जी रामायण के परम वक्ता भी हैं। उत्तम वक्ता और उत्तम श्रोता का समन्वय है श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने वक्ता के रूप में जिन जिन को राम कथा का श्रवण कराया, उन सबको राम दर्शन हुआ है। उन सभी को श्री राम से मिलाया, ऐसा समर्थ सद्गुरु। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी से मिलाया, हनुमान जी ने विभीषण को राम कथा सुनाया लंका में। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तो विभीषण राम जी की शरण में आ गए। जब विभीषण श्री राम जी की शरण में आए तो क्या कहते हैं? श्रवण सुजस सुनियायौ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। श्रवण सुजस सुनियायौ, आपके सुयश का श्रवण करके मैं आपकी शरण में आया हूं। किन से सुना भाई? बोले आपके परम भक्त हनुमान जी आए थे ना हमारे लंका में, तब उन्होंने कथा सुनाया। कहां पे कथा हुई थी? बोले मेरे ही प्रांगण में, मेरे घर में, घर के ही प्रांगण में। विभीषण को श्री राम तक पहुंचा दिया। सीता जी श्री राम से अलग होकर अशोक वाटिका में पड़ी है, असुरों के बीच में कैद है, बड़ी दुखी है। और उस वक्त हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाकर के वहां सीता जी को राम कथा सुनाते हैं। रामचंद्र गुण
बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुन बरने लागा, हनुमान जी महाराज के श्री मुख से राम जी के गुणों को सुनकर, राम कथा सुनकर के सुनत ही सीता कर दुख भागा, सीता जी का दुख चला गया। पुनः सीता जी को श्री राम से मिलाने वाले हनुमान जी, लक्ष्मण जी के प्राण को बचाने वाले हनुमान जी, लाय सजीवन प्राण उबारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, तो लाय सजीवन प्राण उबारे, प्राणों को बचाने वाले, प्राणों की रक्षा करने वाले प्राण स्वरूप श्री हनुमान जी ही है। राम आत्मा है रामायण की, हनुमान जी प्राण है रामायण के। यदि रामायण में हनुमान जी ना हो, हनुमान जी को निकाल दिया जाए, तो जैसे रामायण निष्प्राण हो जाए। गोष्पदी कृतवारीशम, गोष्पदी कृतवारीशम, मशकी कृत राक्षसं, रामायण महामाला रत्नं वंदे नीलात्मजम्। इतना बड़ा सिंधु जिसको पार करके लंका पहुंचना औरों के लिए संभव नहीं था, हनुमान जी महाराज के लिए वो गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरा हुआ पानी बन गया। गोष्पदी कृतवारीशम, कीचड़ में गाय के चलने से उसके खुर से जो गड्ढा बन जाता है चौमासे में, उसमें पानी भर जाए, अरे कोई छोटा सा बच्चा भी नांग के चला जाएगा। हनुमान जी महाराज के लिए बस समुद्र बस उतना ही छोटा हो गया। मशकी कृत राक्षसम, बड़े बड़े राक्षस मच्छर हो गए। ऐसे महाबली परम बलवान बुद्धिमान श्री हनुमान जी रामायण रूपी महामाला के एक मूल्यवान रत्न के समान है। तो हनुमान जी महाराज राम कथा के रसिया है, हनुमान जी को नित्य राम कथा चाहिए। आप, मैं तो कहा करता हूं कि यदि हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो वहां जाकर आप राम कथा का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, हनुमान जी के समक्ष बैठकर। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ, तो रामायण राम जी के मंदिर में राम जी के समक्ष बैठकर करो। साधारणतया क्या होता है, राम का गुणगान हम राम जी के समक्ष बैठ करके करते हैं, तो रामायण का पाठ राम मंदिर में बैठ कर करेंगे, और हनुमान चालीसा सुंदरकांड करना है तो हम हनुमान जी के समक्ष बैठ कर करेंगे। लेकिन उल्टा करोगे तो विशेष फायदा होगा। रामायण का पाठ हनुमान जी के समक्ष बैठ करके करो, और हनुमान चालीसा का पाठ राम जी के समक्ष बैठ करके करो। तो जिसको जो अति प्रिय है वो उसको सुनाओगे तो वे विशेष रूप से प्रसन्न होंगे। हनुमान जी को राम कथा प्रिय है, इसलिए हनुमान जी के समक्ष रामायण का पाठ करो,
हनुमान जी विशेष प्रसन्न होंगे। हनुमान जी के समक्ष बैठकर हनुमान जी के गुणगान करोगे, हो सकता है हनुमान जी ज्यादा सुनने में रुचि न रखे और बोले क्या ठीक है चल बोल क्या चाहिए क्या। क्योंकि कोई भी सज्जन आदमी, कोई भी महापुरुष अपने बखान अपने गुण सुनना उतना पसंद नहीं करता। कोई बखान करने लग जाए किसी सज्जन के समक्ष, उसी का बखान करने लग जाए तो सज्जन भाई ठीक है सब भगवत कृपा है, अब इतने भी क्या प्रशंसा करते हो, बोलिए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। लेकिन उसको यदि अपने गुरु के प्रति बहुत स्नेह है, अपने गुरु में उसकी परम निष्ठा है, उसके समक्ष उसके गुरु का बखान, उसके गुरु की स्तुति, उसके गुरु की प्रशंसा करो तो सुनकर वह प्रसन्न हो जाएगा। बार बार सुनना वो पसंद करेगा क्योंकि उसको जो प्रिय है वो आप कर रहे हैं। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वैसे भी भगवान का स्वभाव बड़ा संकोची है। राम जी के समक्ष बैठकर तुम राम गुणगान करोगे, हो सकता है राम जी उतने प्रसन्न न हो, लेकिन राम जी को प्रिय है हनुमान जी। यदि श्री राम जी के समक्ष बैठकर आप हनुमान जी के गुण का गायन करो तो राम जी बड़े प्रसन्न होकर सुनेंगे, तुम पर कृपा करेंगे। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया है, बस उसी प्रकार भगवान राम भी हनुमत चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ राम जी के समक्ष करो। वैसे भी किसी भी स्त्री के समक्ष उसके बेटे का बखान शुरू कर दो तो बड़े चाव से सुनती, उसके बालक का बखान शुरू कर दो तो बड़े प्रेम से सुनेगी वो और उसकी मैत्री हो जाएगी आपके साथ, अपनत्व हो जाएगा उसका। बस उसी प्रकार बालक है हनुमान जी, सीताराम जी माता पिता, इसलिए राम जी के समक्ष आप हनुमान जी के गुण का, हनुमान जी के यश का गायन यदि करें तो राम जी बड़े प्रसन्नता से सुनते हैं और राम जी के प्रति राम जी के मन में बड़ी आत्मीयता, आप बहुत अपने लगने लगोगे, राम जी को भाओगे, तुमको देखकर ही राम जी खुश हो जाएंगे कि अच्छा ये आया अभी मेरे हनुमान के यश का गायन करेगा, अब ये हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देगा, बड़ा आनंद आता है। तो राम जी के समक्ष बैठकर राम जी का गुणगान करना, उससे भी विशेष लाभप्रद ये है कि राम जी के समक्ष बैठकर हनुमान जी के गुणों का गायन करना, हनुमान जी के समक्ष बैठ करके हनुमान जी के गुणों का गायन करने से भी विशेष लाभप्रद यह बात रहेगी कि हनुमान जी के समक्ष बैठ करके आप हनुमान जी को जो अति प्रिय है उस राम कथा का गायन करें। तो यहाँ पर हनुमान जी के पावन सानिध्य में बैठ करके हम राम कथा का गायन कर रहे हैं। जहां भी कलिकाल में राम कथा होती है, कथा के आरंभ में ही हनुमान जी महाराज वहां पर पधारते हैं। कथा के आरंभ में हनुमान जी का आवाहन किया जाता है, आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूं मति अनुसार। आपने सुना होगा भक्त नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी, और भक्तमाल में भक्तों का चरित्र है। जो भक्तमाली होते हैं वे भक्तमाल के भक्तों के चरित्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। अभी गत नवरात्रि में हमारे यहाँ सांदीपनी में वृंदावन के संत राजेंद्र दास जी महाराज ने आकर भक्तमाल की कथा सुनाया, कुछ चरित्रों को सुनाया, कुछ पौराणिक चरित्र, कुछ अर्वाचीन समय के भक्तों का चरित्र, बड़ा आनंद आता है। तो उसमें मजा ये है कि जिस प्रकार राम कथा के आरंभ में हम हनुमान जी का आवाहन करते हैं, आइए हनुमान विराजिए कथा कहूं मति अनुसार, अब आपको भगवान की कथा सुनाते हैं हनुमान जी आप पधारिए, उसी प्रकार भक्तमाल की कथा में
आरंभ में भगवान का आवाहन होता है, क्या ये नारायण पधारिये, हम कथा सुना रहे हैं आपके प्यारे भक्तों की, आप प्रेम से कथा सुनिए। भक्तमाल की जहां कथा होती है वहां भगवान नारायण प्रधान श्रोता होते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों का गुण सुनने में, अपने भक्तों की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। और उसी प्रकार भगवान की कथा है, राम कथा है, तो श्री हनुमान जी महाराज को राम कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा हो रही हो, वहां वहां हनुमान जी श्रोता के रूप में विराजमान रहते हैं, वो सुनते हैं। दास हनुमान बड़े दीन भाव से, एक तो है वीर हनुमान और दूसरे हैं दास हनुमान। देखो राम जी के मंदिर में आप देखेंगे राम जी के समक्ष तो दास हनुमान बैठे हैं हाथ जोड़कर माथा झुकाकर, और बाहर या तो हनुमान जी जहां अकेले खड़े हैं यूं गदा उठाए वीर हनुमान। दुनिया के सामने वीर बनो और अपने ठाकुर के सामने दास बनो, दीन बनो। भगवान के सामने दीन और संसार के सामने, दुनिया के समक्ष वीर बनो। वहां दीन न बनो, न दैन्यम न पलायनम, भगवान के समक्ष दीन बन करके हनुमान जी रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। और दैन्य तो है लेकिन कितने प्रेम पूर्वक, कितने तन्मयता से कथा सुनते हैं हनुमान जी। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, हनुमान जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहती रहती है जब राम कथा सुनते हैं। प्रेम की ये ऊंचाई, कहते रामकृष्ण परमहंस देव भी जब कोई भगवान का नाम तार स्वर से उच्चारण करता तो उनके कान में भगवान का नाम पढ़ते ही वे गदगद हो जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं आंखों से और समाधिस्थ हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति हो जाती है प्रेमी की। चैतन्य महाप्रभु की जो स्थिति थी, ऐसा होता है, हम गाली से प्रभावित होते हैं ना, गाली सुनते ही क्या स्थिति हो जाती है हमारी, एकदम आंखें लाल हो जाती है, क्रोध आ जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गाली ने हमको प्रभावित किया ना, हमारी स्थिति ही ऐसी निकृष्टतम है कि हम गाली से प्रभावित हो जाते हैं, क्रोध हो जाता आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं। और जो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वे भगवान के नाम का उच्चारण सुनते ही इतने प्रभावित हो जाते हैं। आप किससे प्रभावित होते हो उसके अनुसार आपकी भूमिका निश्चित होती है। साधु संत भक्त
वो गालियों से अपमान से प्रभावित नहीं होता, न वो स्तुति से प्रभावित होता है, न वह निंदा से प्रभावित होता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति, हमारी दशा क्या है? कोई हमारी निंदा करता है तो क्रोध आता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कोई स्तुति करता है, हमारा बखान करता है, खुश हो जाते हैं हम। भक्त वो है निंदा और स्तुति दोनों से प्रभावित नहीं होता। जो प्रभु भावित होता है वह संसार की निंदा और संसार की स्तुति से प्रभावित नहीं होता। तो हमको स्तुति प्रभावित कर देती है, हमको जिस प्रकार निंदा के शब्द, गालियां जिस प्रकार हमको प्रभावित कर देती है, भगवान के भक्त को उसी प्रकार भगवान की कथा, भगवान का यश, भगवान का नाम प्रभावित कर देता है। गदगद हो जाता है वह, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, ऐसे राम कथा के रसिया श्री हनुमान जी उत्तम वक्ता भी हैं। जिन जिन ने श्री हनुमान जी से राम कथा का श्रवण किया उन सबको भगवान श्री राम का दर्शन हुआ है। हनुमान जी ऐसे वक्ता है जो कथा केवल सुनाते नहीं, राम से मिला देते हैं। और हनुमान जी की चलती है राम जी के पास। हनुमान जी जिसको भेजे तो राम जी भी उसको वापस नहीं लौटा सकते, क्योंकि राम जी हनुमान जी के ऋण में। एक ऐसा चरित्र है संसार में इकलौता जिसने भगवान को भी सदा के लिए ऋणी बना रखा, वरना भगवान किसके ऋण में रहते हैं। गुजरात के भक्त कवि दुलाकाग ने एक रचना में कहा, राम ने ऋणी राख्या एने मारा, प्रभु ने ऋणी राख्या जगत मा, एक जन म्यो रे जेने, राम ने ऋणी राख्या जगत मा, एक जन म्यो रे जेने, राम ने ऋणी राख्या। एक ही पैदा हुआ ऐसा दुनिया में जिसने राम को भी अपने ऋण में सदा के लिए बांध लिया, राम भी उसके ऋण से मुक्त नहीं हो पाया। कुछ नहीं चाहिए उसको श्री राम जी से। हरिये गला मायने हार पेराव्यो त्यारे, मोतीड़ा मोढ़ा मनाख्या, हरिये गला मायने हार पेराव्यो त्यारे, मोतीड़ा मोढ़ा मनाख्या, मोती करड़ी माला फेंकी, मोती करड़ी माला फेंकी, त्रागड़ा तोड़ी तोड़ी नाख्या जगत मा, एक जन म्यो रे जेने, राम ने ऋणी राख्या, ए राम ने ऋणी राख्या एने मारा, प्रभु ने राख्या जगत मा, एक जन म्यो रे जेने, राम ने ऋणी राख्या जगत मा, एक जन म्यो रे जेने, राम ने ऋणी राख्या। राम जी का राज तिलक हुआ, 14 वर्ष के वनवास के पश्चात रावण आदि असुरों का नाश करके भगवान अयोध्या में पधारे। राज तिलक हुआ, आनंद उत्सव हो रहा है, हनुमान जी नाच रहे हैं प्रेम से। सीता जी ने मूल्यवान माला हनुमान जी को पहनाया।
तो हनुमान जी उस माला को तोड़कर उसके एक एक मूल्यवान मोती को अपने दांतों में दबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो सीता जी ने सोचा कि आखिर बंदर बंदर क्या जाने रत्न का मूल्य, माला का मूल्य, कितनी मूल्यवान माला, ये कोई खाने की चीज है क्या? अरे हनुमान क्या खा रहे हो इतनी मूल्यवान माला? बोले मैया मैं यही देख रहा हूं कि ये मूल्यवान है कि नहीं। बोले इसमें क्या संशय? बोले मैं इसको तोड़ करके देखना चाहता हूं इसमें राम है कि नहीं। जिसमें राम है बस मेरे लिए वही मूल्यवान है। बोले अच्छा तुम में राम है? हनुमान जी ने कहा कि हां है, यदि मेरे शरीर में राम ना हो तो मैं शरीर भी छोड़ दूं, दिखाओ। और हनुमान जी महाराज ने अपनी छाती चीर कर भगवान श्री राम का दर्शन कराया। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। हनुमान जी के हृदय में सदा राम जी का निवास। इसलिए प्रणव उपवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम शरचाप धर बसहि राम शरचाप धर प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम शरचाप धर बसहि राम शरचाप धर। जिनके हृदयागार में धनुष बाणधारी श्री राम नित्य निवास करते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम इतने नाच रहे हो, इतने खुश हो रहे हो, क्यों? बोले आज मेरे प्रभु का राज तिलक हुआ। बोले इसमें तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? हनुमान देखो सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला तुम्हारे कारण, तुम न होते तो सुग्रीव किष्किंधा का राजा न बन पाता। विभीषण को लंका का पद मिला तुम्हारे कारण, तुम न होते तो विभीषण लंका के राजा न बनते। और आज मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर यदि बैठा हूं तो हनुमान तुम्हारे कारण, तुम न होते तो ये न हो पाता। तो हम तीनों यदि प्रसन्न हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? हनुमान जी बोले हमको भी बहुत कुछ मिला है और आप तीनों से ज्यादा मिला। अच्छा कैसे? बोले सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को लंका का पद मिला, प्रभु आप अयोध्या के इस राज पद पर आसीन हुए, आरूढ़ हुए, आप तीनों को तो एक एक पद मिला है लेकिन इस दास को दो दो पद मिले। कौन से? राम जी के दो चरण पकड़ करके बोल पड़े, ये दो पद की जो सेवा, इन दो चरणों की जो सेवा मुझे मिली है, इसलिए आप तीनों को तो एक एक पद ही प्राप्त हुआ है लेकिन मुझे तो दो दो पद प्राप्त हुए हैं, मुझे आपके चरणों की सेवा जो मिली है बड़े प्रसन्न। राज तिलक के बाद बाकी सबको लौटाया राम जी ने, वो सब लौट गए। विभीषण सुग्रीव अंगद को नहीं जाना था फिर भी अंगद को जाना पड़ा, वो भी चले गए। जांबवंत आदि सभी अपने अपने धाम, राज्याभिषेक उत्सव के पश्चात सब लोग अपने अपने धाम में विदा हुए लेकिन हनुमान विदा नहीं हुए, हनुमान वहीं रह गए बिल्कुल राम जी की छाया बन करके, सदा राम जी के साथ, श्री राम के स्नेह के
चलते बस सदा श्री राम की छाया बनकर राम जी के साथ रहने वाले, राम जी की सेवा में नित्य समर्पित श्री हनुमान, केवल अपने स्वामी के ही सुख का चिंतन, उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे हनुमान जी जिनके ऋण में सदा श्री राम है, उनकी उपासना करो, मिला देंगे राम जी से। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भगत कहा, राम दुआरे आ राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, ओ तन आज्ञा बिनु पैसारे, ओ तन आज्ञा चौकीदार है, द्वार पर ही बैठे हनुमान जी, हनुमान जी की कृपा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता, इसलिए पहले हनुमान जी की उपासना करो, राम दर्शन करना है, तुम्हारे भजन राम को पावे। आजकल लोग ये कहते हैं कि मिनिस्टर साहब तक अपनी यदि फाइल पहुंचानी हो तो बाहर जो बैठे होते हैं ना उनके, पहले उनको कुछ चाय पानी देकर प्रसन्न करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना, तभी वो अंदर जाने देता है, तभी आपकी अर्जी आगे बढ़ती, तो वहां तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहां तो आपको प्रेम देना है। पहले हनुमान जी की उपासना करो, हनुमान जी की कृपा के बिना अंदर नहीं जा सकते, राम जी को पाना संभव नहीं, और एक बार यदि हनुमान जी की सिफारिश हो गई, हनुमान जी ने आपकी सिफारिश कर दिया, फिर राम भी आपको अंदर आने से रोक नहीं सकते, क्योंकि श्री राम हनुमान जी के ऋण में, हनुमान जी की बात को श्री राम जी टाल नहीं सकते। तो हनुमान जी को राम कथा सुनाओ, हनुमान जी रुद्रावतार है, तो चाहे शिव मंदिर में शिवालय में बैठकर रामायण का पाठ करो, सुनेंगे शंकर जी प्रसन्न होंगे। रामायण में कथा है अगस्त्य जी के श्रीमुख से शंकर जी ने राम कथा का श्रवण किया, बड़े प्रसन्न हुए, और वक्ता को दक्षिणा देना चाहिए, अपनी अति प्रिय जो संपत्ति थी वो वक्ता को अगस्त्य जी को शंकर जी ने दक्षिणा के रूप में दे दिया, और वो चीज क्या है, बोले राम भक्ति। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई।
महादेव जी को सुनाओ राम कथा। रुद्रावतार ही हैं हनुमान जी, उन्हें सुनाओ राम कथा और वे दक्षिणा में तुम्हें राम भक्ति प्रदान करें। तो इस भाव से श्री हनुमान जी महाराज के संकट मोचन प्रभु के पावन प्रांगण में राम कथा यात्रा हम लोग कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के आधार पर हम भगवान श्री राम के चरित्र का दर्शन करने जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस कहते हैं, जब श्री रामचरितमानस का नामाभिधान किया तुलसीदास जी ने, तो ऊपर से नीचे की ओर लिखा श्री रामचरितमानस, बाएं से दाएं नहीं लिखा श्री रामचरितमानस, ऐसे नहीं, ऊपर से नीचे श्री रामचरितमानस। तो मानस शब्द सबसे नीचे आया, यह संकेत किया कि मानस जो है, मन जो है मानव का, वही नींव है। जैसा तुम्हारा मन है वैसा ही सब कुछ होने वाला। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। शास्त्रकारों ने भी मन को बंधन और मुक्ति दोनों का कारण बताया है। सारा खेल मन का, तुम सुखी हो तो मन के कारण, तुम दुखी हो तो मन के कारण, कोई बातें तुमको अपमान सी प्रतीत होती है मन के चलते, किसी में स्तुति नजर आती है मन के चलते, कोई अच्छा लगता है मन के चलते, कोई बुरा लगता है मन के चलते, सारा मन का खेल है। मानस मन है नींव, मन पर बड़ा जोर दिया, इसलिए भगवान ने भी यही कहा कि भाई तू यदि मुझे कुछ देना चाहता है तो अपना मन मुझे दे दे। मय्येव मन आदत्स्व, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, धन भगवान को देते हैं, पैसा देते हैं, मन नहीं देते। 5 रुपये के नोट से क्या प्रभु को हम प्रसन्न कर पाएंगे? अरे लक्ष्मी उनकी घरवाली है, उन्हें हम 5 रुपये के नोट से जीत लेंगे क्या, खरीद लेंगे? भगवान धन नहीं मांगते, भगवान मन मांगते। मन हम देते नहीं, मन तो हमने संसार को दिया और धन भगवान को दे रहे। अरे भैया संसार को धन की जरूरत है, संसार में कोई भी तुमसे प्रेम करता है वो धन के लिए ही करता, पैसे के लिए ही प्रेम। मात कहे मेरो पुत सपूत है, बहनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक लोक में लाज दीप बढ़िया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके मिले उगलिया, कवि गंग कहे सुन शाह कुबर, जिनकी गांठ सफेद रुपया, जिनकी गांठ सफेद रुपया, जिनकी गांठ सफेद रुपया। मत कह मेरो पुत सपूत है, माँ कहती है मेरा पुत्र सुपुत्र है, राज दुलारा, बहन भैया 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 कहते अघाती नहीं, लेकिन रक्षाबंधन के दिनों में वो राखी लेकर आती है, वो राखी बांधे उसके बाद केवल 5 रुपये का नोट थमा ना पता चल जाएगा,
वो कहे कि चांदी की राखी ही 150 रुपये की तो है जो तेरे लिए खरीद कर ले आई। आने जाने का किराया ऊपर से कम से कम 1000 तो निकाल। मत कहे मेरो, मत कहे मेरो पुत सकुत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक मिला जगदीप बढ़िया। पिता कहते हैं ये तो मेरा कुल दीपक है, संसार में मेरी इज्जत को बढ़ाएगा, लेकिन वो पिता की आज्ञा में है, कमाता है। तब नहीं तो वही बाप कहेगा, मां भी कहती अरे बेटा हुआ पत्थर हुआ होता तो अच्छा था, पाणो पा क्यों तो हर हो, क्या तो काम आवत। मत कहे मेरो पुत सपुत है, मत कहे मेरो पुत सपुत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज नदीक बढ़िया। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, हे प्राणनाथ पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके मिले बलिया। लेकिन ये सारे नाते रिश्ते कब तक। कवि गंग कहे सुन शाहबर, जिनकी गांठ सफेद रुपया, जिनकी गांठ सफेद रुपया, जिनकी गांठ सफेद रुपया, जिनकी गांठ सफेद रुपया। कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, पैसे से प्रेम करते हैं लोग। पत्नी को शॉपिंग के लिए पैसा दो, हर दीपावली में उसको 10-15 तोला सोना कुछ न कुछ लेकर के दो, जब वो जाना चाहे पिहर में जाने की अनुमति दो, तो तुम प्राणनाथ। नवा अरे पति ही कामाय पति ही प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति, उपनिषद का ऋषि कहता। और उसी प्रकार पति को पत्नी से जब तक सुख मिल रहा है तब तक पति के मन में पत्नी के प्रति प्रेम है, जिस दिन पत्नी से सुख मिलना बंद हो जाएगा पति का भी स्वार्थ, फिर पत्नी दुश्मन नजर आएगी। स्वार्थ की नींव पर टिका है संसार। जब तक एक दूसरे से एक दूसरों के स्वार्थों की पूर्ति हो रही है तब तक प्रियता रहती है, नहीं तो प्रियता समाप्त। मानसकार ने लिखा, सुर नर मुनि सब की सुर नर मुनि सब की स्वार्थ लागी करे सब की, स्वार्थ लागी करे सब की। दुनिया में सब स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं, सारे संबंध स्वार्थ के हैं। तुमसे चाहने वाले लोग हैं, तुमको चाहने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए दुनिया में भी भगवान में के मंदिरों में भीड़ होती है, किन की भीड़ होती है, भगवान से चाहने वालों की भीड़ ज्यादा है, भगवान को चाहने वालों की कम।
वो तो अपनी झोपड़ी में बैठकर जहां माला जप रहा है वहीं भगवान को चाहता है। हो सकता है वो मंदिर में ना जाए, भीड़ ना करता हो। तो भगवान के मंदिर में जो भीड़ है किसकी है? भगवान को चाहने वालों की कि भगवान से चाहने वालों की? तो तुमसे चाहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, तुमको चाहने वाला दुर्लभ है। अनकंडीशनल लव की जहां बात होती है लगता है कि वो असंभव सा है। सब प्रेम करते हैं तो उसके मूल में कहीं ना कहीं स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, और जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो वही नाता तोड़ लेते हैं, या तो गुस्सा करते हैं। सारा संसार स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ, सिवाय परमात्मा के इस संसार में तुमसे प्रेम करने वाला, निरपेक्ष प्रेम करने वाला कोई नहीं। लेकिन हमारी बेवकूफी यह है कि हम मन संसार को देते हैं और धन भगवान को देते हैं। होना उल्टा चाहिए, धन संसार को दो और मन भगवान को दो। भगवान मन मांगते हैं, मय्येव मन आदत्स्व। मन भगवान में रखो, मन प्रभु को दो। संसार को धन चाहिए, संसार में सबको पैसा चाहिए, उसको पैसा दो, जितना हो सकता दो। और केवल परिवार की बात नहीं, संसार में जो भी जरूरतमंद है दो धन उसे दान करो। जो भूखे हैं, नंगे हैं, बीमार है, धन है तो उसकी सेवा में लगाओ, उन सभी की सेवा में लगाओ। धन से संसार की सेवा करो, मन से परमात्मा की सेवा, भगवान को मन दे। तो मन का बड़ा महत्व है, अति महत्वपूर्ण। मन संसार को देकर के एक तो अति महत्वपूर्ण चीज को हमने मिट्टी में मिला दिया। महत्वपूर्ण है, बड़ी कीमती चीज है, उसको मिट्टी में मिला दिया संसार को मन दे करके। मन बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और संसार को देने से संसार के जो सुख दुख मान अपमान हर्ष शोक आदि द्वंद्व है वो मन में आ जाते हैं, सदा शांति रहती। राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख निंदा स्तुति, द्वैत का नाम है दुनिया। यदि मन संसार में है तो ये सारी बातें मन में रहेंगी। कहते थे रामकृष्ण परमहंस, तुम संसार में रहो कोई बात नहीं, संसार तुम में न रहना चाहिए, संसार तुम में न रहे। फिर दृष्टांत देते, नौका समुद्र में रहे तो कोई चिंता की बात नहीं, जिस दिन समुद्र नौका में आया नौका डूबेगी। तुम संसार में रहो कोई बात नहीं, जिस दिन संसार तुम्हारे में आया तो गए काम से। और संसार हमारे भीतर तब प्रवेश करता है जब हम मन संसार को देते, मन भगवान में हो, धन संसार को। संसार को तुम्हारा मन चाहिए ही नहीं, किसको पड़ी है? किसी ने पैसा मांगा और तुमने कहा कि भाई पैसा तो नहीं है लेकिन मन से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रति मेरी सहानुभूति है, वो कहता है क्या करना है तेरी सहानुभूति को? पैसा है तो निकाल, हमको तो इस वक्त पैसे की जरूरत है। संसार को मन नहीं चाहिए, संसार को धन से निस्बत है, पैसे से काम।
और भगवान के पास जाकर के पैसा फेंकोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, क्या करना है तेरे पैसे को, देना ही चाहता है तो अपना मन दे दे, मैये व मन आदत। लेकिन पता नहीं हम उल्टा ही करते हैं, मन को हम संसार में रखते हैं, धन को हम भगवान के, और धन भी कितना, 5 लाख कमाए और वहां 5 रुपये का नोट रखते हैं, 5 रुपये का नोट रखकर प्रणाम करके चला जाए तब तक तो ठीक है, खोटी चवन्नी थाली में, आरती की थाली में डालकर 15 पैसा वापस ले लेता, भगवान के मंदिर में भी कपट। एक आदमी मंदिर में गया, आरती हुई भगवान की, तो सब लोग आरती में 54-58 रुपया डाल करके आरती ले रहे थे, तो इसके पास जब आरती आई लास्ट में, तो जितने भी आरती में पैसे थे वो सब ले लिए, आरती ली पैसे ले ली अपनी जेब में डाल, पुजारी ने हाथ पकड़ लिया, महानुभाव क्या कर रहे हो, इसमें कुछ डालना चाहिए, उसके स्थान पर थाली में जितने पैसे हैं अपनी जेब में डाल रहे हो, शर्म नहीं आती। बोले क्यों नहीं लेना चाहिए पुजारी जी, अरे बोले भगवान का है ये, देव द्रव्य हो गया, भगवान का है, इस पर भगवान का अधिकार है, कुछ डाल सकते हो तो डालो, लेकिन अपनी जेब में डाल रहे हो। बोले पुजारी जी मैंने कब मना किया, भगवान का ही है, बिल्कुल भगवान का। बोले फिर आपने जेब में क्यों डाला। बोले ये बताओ पहले आपकी उम्र क्या है। पुजारी जी बोले मैं 45 साल का। तो महानुभाव बोले मैं 70 साल का हो गया, तुमसे पहले मैं जाऊंगा कि नहीं ऊपर, हाथों हाथ दे दूंगा, भगवान का ही है उनको दे दूंगा, रूबरू पहुंचा दूंगा। भगवान को धन की नहीं, भगवान को मन की आवश्यकता है। हम धन भगवान की सेवा में तो लगाते हैं लेकिन मन भगवान की सेवा में नहीं लगाते। संसार की सेवा में धन लगाओ, भगवान की सेवा में मन लगाओ। तो मन ही नींव है, मन ही महत्वपूर्ण है, मानस नींव है, वही फाउंडेशन। श्री राम चरित मानस, मानस शब्द सबसे नीचे, उसके ऊपर शब्द आया चरित। जैसा मन होगा वैसा ही तुम्हारा चरित्र बनेगा, मन की भावनाएं जैसी है वैसे ही आपके विचार बनेंगे, भावना और विचार जैसे हैं वैसा ही आपका व्यवहार बनेगा। भावना विचार और कर्म तीनों का जो मिलान है उसी को चरित्र कहा जाता। We live in our thoughts, we live in our emotions, we live in our actions. जिंदगी के ये तीन ही कमरे हैं, भावना विचार और क्रिया, और तीनों का जो योग है उसको चरित्र कहते हैं। तो जैसा मन है मन के अनुसार वैसी भावना बनेगी, जैसी भावना है वैसे ही विचार बनेंगे। जिसकी भावना शुद्ध है तो वो किसी के काम आने की सोचेगा, और जिसकी भावना ही गड़बड़ है तो उसके विचार भी कैसे किसी को छल लूँ, कपट कर लूँ, पैसा निकलवा लूँ, वही विचार होंगे, और फिर वैसी ही उसकी क्रिया होगी, वैसा व्यवहार होगा। तो तुम्हारा पूरा चरित्र, तुम्हारे मन की भावना कैसी है उस पर निर्भर करता है। तो यदि मन शुद्ध है, मन की भावना शुद्ध है, तो चरित्र शुद्ध होगा, और चरित्र यदि शुद्ध होगा तो श्री राम
श्री राम माने आनंद, श्री राम माने नित्य शांति, श्री राम माने अपरिमित सुख। वहां तक पहुंच जाओगे उसकी तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री राम चरित मानस ऐसा नाम है इस ग्रंथ का। ये तो नीचे से हम ऊपर चढ़े, अब ऊपर से नीचे भी आ सकते हो। श्री राम का आश्रय करो, श्री राम का गुणगान करो, तो इससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हारा चरित्र शुद्ध होगा, और तब चरित्र शुद्ध होगा तो श्री राम उतर आएंगे, और फिर तुम्हारा मन सुख शांति आनंद से भर जाएगा, मन विशुद्ध हो जाएगा जब राम अवतरित होते हैं। तो श्री राम का चरित्र सुनो, मन मन से। तात सुनहु सादर मन लाई, मन से सुनो श्री राम का चरित्र, मन से सुनो, पूरे मनोयोग से श्रवण करो और मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा चरित्र शुद्ध होगा, चरित्र शुद्ध होगा राम तक पहुंच जाओ। नीचे ऊपर, नीचे आए तो श्री राम चरित मानस, श्री राम का चरित्र सुनो मन से, पूरे मनोयोग से, तो इससे मन शुद्ध होगा तो फिर तुम्हारा चरित्र शुद्ध होगा तो श्री राम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का भाव निकाल सकते हो, श्री राम चरित मानस, राम चरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी संवत 1631 में, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार, रामनवमी का दिन अयोध्या जी में राम जन्मोत्सव मनाकर तुलसीदास जी ने लेखनी को पकड़ा और रचना का आरंभ किया 1631। आज 2065 इतने साल हो गए। अयोध्या जी में राम जन्मोत्सव मना करके तुलसीदास जी ने आरंभ किया। आरंभ की तिथि लिखी है, कब पूरा किया उसकी तिथि नहीं। वैसे विद्वान लोग मानते हैं कि 2 वर्ष से उपरांत समय में रामायण लिखी गई, लेकिन तुलसीदास जी ने किस दिन पूर्ण किया ये नहीं लिखा है, रामायण किस दिन आरंभ किया ये लिखा। एक संकेत है इसमें कि भाई जिंदगी में रामचरित्र राम कथा सत्संग का आरंभ तो करना चाहिए लेकिन अंत कभी ना हो। जब तक जिंदगी रहे, जब तक श्वास रहे, भजन चलता ही रहना चाहिए, हरि कथा चलते ही रहना चाहिए, कथा तो नित्य होनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, राम कथा नित शिवजी गावे, भगवान की कथा नित्य होनी चाहिए, सत्संग नित्य होना चाहिए, कर ही सदा सत्संग। एक दिन भी बिना हरि कथा के न जाए, जो दिन गया खाली नागा उसको वंध्य दिवस मानते हैं। ऋषियों ने कहा दिवसम अवंध्यम कुरियात, दिवस को अवंध्य करो, वंध्य दिवस न जाए, नित्य भगवान की कथा हो सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सीता साधु संगति से कोटि कोटि अपराध का नाश होता, इसलिए नित्य भजन करो, नित्य सत्संग करो। तो कथा के आरंभ की तिथि लिखी गई, अंत की तिथि का उल्लेख नहीं है।
सत्संग का आरंभ ही हो। और जिसकी सत्संग में रुचि हो जाती है, जिसकी भगवत कथा में रुचि हो जाती है, फिर वो तो कथा मात्र ही का जीवी न, वे लोग कथा मात्र कथा जीवी हो जाते हैं, कथा ही उनका जीवन हो जाता, बिना कथा के फिर वे रह ही नहीं सकते। तो उन्हें नित्य सत्संग फिर चाहिए ही चाहिए। तो अंत की तिथि नहीं, भगवान शंकर जी की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना करी, शिव जी ने प्रेरित किया। तुलसीदास जी से पूर्व भी रामायण तो विद्यमान थी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण और अन्य भी कई रामायण, कृत्तिवास रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, बहुत सारे रामायण के ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने एक और जोड़ा, तुलसीदास जी ने इसकी ग्राम्य गिरा में रचना की, लोक बोली में रचना करी, ताकि जन साधारण इसको समझ सके। रचना के उपरांत तुलसीदास जी ने यह ग्रंथ किसी राजा को, किसी श्रीमंत को समर्पित नहीं किया। जैसे कवि गंग जैसे कवि, वे अकबर के दरबार में थे, राजा को खुश करने के लिए काव्य रचनाएं करते थे और अकबर को संबोधित करते हुए कवि गंग ने रचनाएं की है। कवि गंग कहे सुन शाह कबर, जिनकी गांठ सफेद रुपया। लेकिन तुलसीदास जी ने तो भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रचना करी थी, इसलिए यह ग्रंथ शंकर जी को ही समर्पित किया। भगवान शिव जी ने इसका स्वीकार किया। सत्यम शिवम सुंदरम, तीन शब्द अंकित हो गए शंकर जी के दस्तखत के रूप में। तत्कालीन विद्वत समाज ने इस ग्रंथ को मान्यता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये ग्रंथ संस्कृत में नहीं है। संस्कृत देव भाषा है, लेकिन ज्ञान किसी भाषा का भी मोहताज नहीं है। मधुसूदन सरस्वती जी के पास पहुंचाया गया ग्रंथ कि चलो ऐसे विद्वान यदि इस ग्रंथ को मान्यता दे देते हैं तो फिर हम मानेंगे, इसको स्वीकृति देंगे। और मधुसूदन सरस्वती जी जैसे महापुरुष ने भी इस ग्रंथ का अवलोकन किया, तत्पश्चात अपना अभिप्राय देते हुए लिखा, आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस्तरुहु, कविता मंजरीर यस्य राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद वन में, काशी में, ये जो तुलसी है यानी तुलसीदास, जंगमस्तरुहु, वैसे तो तुलसी जहां लगी होती है फिर वहीं लगी रहती है, वो चल तो नहीं सकती, लेकिन ये तुलसी जो है, ये तुलसीदास जो है, वो जंगमस्तरुहु, चलता फिरता पेड़ है तुलसी का। ये तरु कोई सामान्य तरु नहीं है, ये तुलसी है, बड़ी पवित्र और भगवान को अति प्रिय। आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस्तरुहु, कविता मंजरीर यस्य राम भ्रमर भूषिता। और इस तुलसी रूपी जंगमस्तरु के, इस तुलसी के मंजरी जो है वही है ये रामचरितमानस। ये जो कविता है तुलसीदास जी के द्वारा रचित, ये जो रामचरितमानस है वही मंजरी है। और इस मंजरी की दिव्य सुगंध से भंवरा आकृष्ट होकर के खींचा चला आया और गुनगुन करने लगा उस मंजरी के आसपास। वो भंवरा कौन है? बोले राम भ्रमर भूषिता, राम रूपी भ्रमर। स्वयं इस मंजरी की दिव्य सुगंध से खींच कर चला आया और राम रूपी भंवरा मंडरा रहा है इस कविता रूपी मंजरी के ऊपर मुग्ध हो करके। तो स्वयं श्री राम जिस कविता के ऊपर मुग्ध हो, जिस कविता के विषय में मधुसूदन सरस्वती जी जैसे महापुरुष ने
अपने ये विचार प्रकट किए हों, फिर तो विद्वानों को इस ग्रंथ को मान्यता देना ही पड़ा, मान्य करना ही पड़ा। तुलसीदास जी संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे, इसलिए रामचरितमानस का आरंभ उन्होंने देवभाषा संस्कृत से किया। रामचरितमानस का उपसंहार भी उन्होंने दो श्लोक संस्कृत में ही लिख करके किया है। हर कांड के आरंभ में उन्होंने मंगलाचरण किया संस्कृत में श्लोक रचना करके, बीच बीच में भी संस्कृत का कई जगह उपयोग किया है तुलसीदास जी ने। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी तुलसीदास जी ने लोक बोली में इस ग्रंथ की रचना करके जन साधारण तक इस ग्रंथ को पहुंचाया, राम चरित्र को पहुंचाया। वास्तव में तुलसीदास जी ने इस चरित्र को नदी की भांति बहाया ताकि एक सामान्य से सामान्य आदमी भी इसमें निमज्जन कर सके, उसको कोई बाध्यता कोई अड़चन ना होए। महती अनुकंपा है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसलिए रामचरितमानस का आरंभ उन्होंने देवभाषा संस्कृत से किया। रामचरितमानस का उपसंहार भी उन्होंने दो श्लोक संस्कृत में ही लिख करके किया है। हर कांड के आरंभ में उन्होंने मंगलाचरण किया संस्कृत में श्लोक रचना करके, बीच बीच में भी संस्कृत का कई जगह उपयोग किया है तुलसीदास जी ने। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी तुलसीदास जी ने लोक बोली में इस ग्रंथ की रचना करके जन साधारण तक इस ग्रंथ को पहुंचाया, राम चरित्र को पहुंचाया। वास्तव में तुलसीदास जी ने इस चरित्र को नदी की भांति बहाया ताकि एक सामान्य से सामान्य आदमी भी इसमें निमज्जन कर सके, उसको कोई बाध्यता कोई अड़चन ना होए। महती अनुकंपा है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को, रामचरितमानस को मानस सर सरोवर की भी उपमा देते हैं। चाहे नदी हो चाहे सरोवर हो, नदी बोले गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। नदियों में हमारे यहां गंगा की बड़ी महिमा है, गंगा जैसी कोई नदी नहीं। और सरोवरों में हमारे यहां सबसे ज्यादा मान्यता है मान सरोवर की। ब्रह्म सरोवर है अपने राजस्थान में, पुष्कर राज है, नारायण सरोवर है कच्छ में, बहुत से सरोवर है, उनमें सबसे ज्यादा मान्यता है मान सरोवर की। तो तुलसीदास जी इस ग्रंथ को मानस सर कहते हैं कि वहां मान सर है, ये मानस सर है सरोवर है। सरोवर के चार घाट होते हैं। इस मानस सरोवर के भी चार घाट हैं। एक घाट का नाम है ज्ञान, दूसरे घाट का नाम है भक्ति, तीसरे घाट का नाम है कर्म, चौथे घाट का नाम है शरणागति। पुराने समय के जो सरोवर हम देखते हैं बंधे हुए घाट, अलग अलग व्यवस्था होती थी। एक घाट पर पुरुषों के लिए, दूसरे घाट पर महिलाओं के लिए, तीसरे घाट पर राज परिवार के लिए, चौथे घाट पर पशु पंछियों के लिए। तो यहां पर भी चार घाट है। पहला घाट है ज्ञान का घाट, वहां पर भगवान शंकर बैठे हैं वक्ता के रूप में, कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। दूसरा घाट है भक्ति का, उस घाट पर बैठे हैं भुशुंडी, काग भुशुंडी, वे कथा सुना रहे हैं खगपति गरुड़ को। तीसरा घाट है कर्म का, उस घाट पर याज्ञवल्क्य महाराज बैठे हैं, वे कथा सुना रहे हैं मुनि भरद्वाज को। चौथा घाट है शरणागति का, उस घाट पर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान हैं,
और वे कथा सुना रहे हैं अपने मन को। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अन्य किसी को संबोधित नहीं किया, तुलसीदास जी ने अपने मन को संबोधित किया। पाई न कही गति पति तपावन राम भज सुनु शठ मना गनिका अजामिल ब्याध गीध गजा दिखल तारे घना। ए मेरे शठ मन, तुलसीदास जी ने स्वयं को संबोधित करते हुए कथा सुनाया, अपने मन को संबोधित करते हुए कथा सुनाया। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास शठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। हे शठ तुलसीदास, उस कारण रहित दयाल दीन बंधु श्री हरि का भजन कर तू कपट और जंजाल छोड़कर, अपने मन को सुनाया। ज्ञान के घाट पर भगवान शंकर जी बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं, इसलिए शंकर जी के जितने निवेदन हैं रामचरितमानस में सब ज्ञान प्रधान हैं। कर्म के घाट पर बैठकर कथा सुनाया है याज्ञवल्क्य जी ने, इसलिए याज्ञवल्क्य महाराज के निवेदन कर्म प्रधान है, उसमें कर्म की महिमा का गायन है। भक्ति के घाट पर भुशुंडी ने बैठकर कथा सुनाया है, इसलिए काक भुशुंडी जी के जो निवेदन है वो भक्ति प्रधान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति के घाट पर बैठे हैं, इसलिए उन्होंने शरणागति पर जोर दिया। तरही न बीनु से ये मम स्वामी तरही न बीनु से ये मम स्वामी राम शरणागति की बात ही गोस्वामी तुलसीदास जी के निवेदन में दिखती है। यह मानस सर है, सरोवर के पास सब लोग जाते हैं भिन्न भिन्न हेतु को लेकर। कोई पानी पीने जाता है, कोई नहाने जाता है, कोई कपड़ा धोने जाता है, और कोई यूं ही शाम को घूमने के हिसाब से सैर करने के लिए जाकर वहां सरोवर के तट पर बैठते हैं। जो लोग पानी पीने गए हैं वे लोग देखते हैं पहले तो कि पानी स्वच्छ है कि नहीं, साफ पानी है तो ही पियेंगे, मैला है यदि गंदा है जल सरोवर का तो पियेंगे नहीं। जो लोग नहाने जाते हैं वो भी देखते हैं कि पानी स्वच्छ है कि नहीं। जो लोग कपड़ा धोने जाते हैं वो लोग भी चाहते हैं कि पानी स्वच्छ हो, और जो वैसे ही घूमने जाते हैं वे भी यदि गंदा पानी है तो फिर वहां बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो स्वच्छ जल है, हवा के साथ थोड़ी लहरें उठ रही हैं, ऊपर से शीतल हवा के झोंके हमें लग रहे हैं, तो फिर वहां बैठने का मन करता है। नहीं तो एकदम गंदगी भरी हो, मच्छर जैसे कीटक सब हो, तो वहां क्या सीढ़ियों पे जाके आप बैठोगे। तो स्वच्छता अनिवार्य। इस सरोवर में जो जल है वो है राम जी के सुयश का, रामचरित्र यही जल है।
बड़ा स्वच्छ जल है, बड़ा निर्मल है। सगुण भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा स्वच्छ है। लीला सगुण है, लीला सगुण जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानी, सोई स्वच्छता करई मल हानी। सगुण ब्रह्म श्री राम के चरित्र की स्वच्छता इस जल में है। भगवान राम का चरित्र बड़ा निर्मल है, बड़ा स्वच्छ। तो चाहे पानी पीने वाला आए, चाहे स्नान करने वाला आ जाए, चाहे कपड़ा धोने वाला चला आए, चाहे कोई यूं ही सैर करने के हिसाब से आए, सभी का स्वागत है। क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि जल स्वच्छ हो। हां, यह जल एकदम निर्मल है। सगुण ब्रह्म भगवान श्री राम का चरित्र यही जल है, बड़ा निर्मल है। ये राम जी का चरित्र बड़ा निर्मल। यदि आप नहाने के हिसाब से आए हो तो जल स्वच्छ है ये तो आप देखोगे, लेकिन साथ साथ ये भी देखोगे गहरा है कि नहीं। तब गोता लगा सकते हो। तो भाई, आप यदि नहाने आए हो तो चले आओ ज्ञान के घाट पर। ज्ञान के घाट पर जल गहरा है, वहां पानी गहरा है। स्वच्छ तो है ही है, निर्मल तो है ही है, लेकिन वहां गहराई भी है, ज्ञान की गहराई। रघुपति महिमा अगुण निर्गुण, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। यही अगाध जल है, यही गहरा पानी है। कौन सा? बोले निर्गुण ब्रह्म की जो चर्चा है, निर्गुण ब्रह्म की जो चर्चा करते हैं ज्ञानी, वेदांत की चर्चा सुनो, क्या गहराई होती है। तो निर्मल तो है ही है यह जल, लेकिन ज्ञान के घाट पर चले आओगे, नहाने यदि आए हो तो ज्ञान के घाट पर तुम्हारा स्वागत है। वहां पर पानी गहरा है, आओ डूबो, इसमें गोता लगाओ। और जो पानी पीने आए हैं उन्हें चाहिए कि वे भक्ति के घाट पर चले आएं, जहां भुशुंडी जी बैठे हैं। पानी पीने वाले प्यासे लोग, वे क्या देखते हैं? वे देखते हैं कि भाई पानी स्वच्छ तो निर्मल तो है, लेकिन शीतल है कि नहीं। गर्म जल से भले ही निर्मल हो, लेकिन गर्म जल से तो प्यास बुझती नहीं है, शीतल चाहिए। तो जल निर्मल हो, जल शीतल हो, एक बात और, जल मधुर हो। पीने वाला ये भी चाहता, नहीं तो कई जगह का पानी ऐसा फीका होता है, निर्मल होता है, शीतल भी होता है, खारा होता है, मधुर नहीं होता, ये बड़ा फीका होता है, प्यास बुझती नहीं है। तो पानी पीने वाला चाहता है कि जल निर्मल हो, जल
शीतल हो और जल मधुर हो। तो भैया स्वच्छ तो है ही है जल, लेकिन भक्ति के घाट पर चले आओ, वहां जल शीतल भी है और मधुर भी है। कौन सी शीतलता और कौन सी मधुरता? तुलसीदास जी ने लिखा, प्रेम भक्ति जो बरनिन जाई, प्रेम भक्ति जो बरनिन जाई, सोई मधुरता सुशीतलता, सोई मधुरता सुशीतलता। प्रेम भक्ति का जो वर्णन है रामायण में, वही शीतलता और मधुरता इस जल की। क्योंकि प्रेम भक्ति बड़ी शीतल होती, निर्मल तो है ही है लेकिन यह शीतल भी है मधुर भी है। आपकी प्यास बुझेगी और बढ़ेगी भी, क्योंकि भक्ति तो चिरंतन प्यास का नाम है। मन तृप्ति का अनुभव तो करता ही है, लेकिन भीतर एक प्यास भी सदैव बनी रहती है कि और पीना है और पीना है और पीना है। इसलिए भागवत में नैमिषारण्य के शौनकादि ऋषि कहते हैं, वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भगवान की यह मंगलमयी कथा सुनकर हम तृप्त नहीं हो रहे महाराज। जैसे जैसे सुनते चले जाते हैं वैसे वैसे प्यास और बढ़ती चलती जाती। हमें भगवान की मंगलमयी कथा और सुनाई। लेकिन मन बड़ा प्रसन्न होता है, तृप्ति का अनुभव करता है। यदि आप कपड़ा धोने के हिसाब से आए हो, अपने मन के मैले कपड़े को धोने के लिए आए हो, तो आप चले आओ कर्म के घाट पर। वहां भी पानी स्वच्छ तो ही है, निर्मल है, लेकिन कपड़ा धोने वाला एक बात और भी देखता है कि पानी अगाध है कि नहीं। अब एक बाल्टी स्वच्छ पानी में आप पांच कपड़ा धोओगे तो कपड़ा तो धो लिया, लेकिन बाल्टी का पानी गंदा हो गया, अब किसी उपयोग के योग्य नहीं रहा। तो भगवान का चरित्र कोई ऐसा नहीं है कि आपके मन के मैल को तो धो लिया और भगवान का चरित्र मैला हो गया। आपके मन को तो निर्मल कर दिया और भगवान का चरित्र मैला हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो जब अगाध जल हो, अगाध, तो उसमें चाहे आप अपने 5-15 कपड़े धो लो, आपके कपड़ों का मैल तो दूर हो ही जाएगा, लेकिन वो पानी भी निर्मल ही रहेगा। बहता पानी निर्मला या अगाध जल है तो निर्मल ही रहेगा। बर नब सोई बर बार अगाध। तो स्वच्छ जल चाहिए, अगाध जल चाहिए कपड़ा धोने वाले को, स्वच्छ जल चाहिए, गहरा पानी चाहिए ज्ञान के घाट पर आकर गोता लगाने वाले को, स्वच्छ जल चाहिए शीतल और मधुर जल चाहिए भक्ति के घाट पर आकर पानी पीने वाले को। सब है यहां। अब चौथा घाट शरणागति का, जहां तुलसीदास जी बैठे। शंकर जी ने इस जल को गहराई दी, कर्म के घाट पर बैठे हुए याज्ञवल्क्य ने इसको निर्मलता दी, ज्ञान के घाट पर बैठे हुए शंकर जी ने इस जल को गहराई दी, भक्ति के घाट पर बैठे हुए काकभुशुंडी जी ने इसको शीतलता और मधुरता प्रदान करी। अब शरणागति के घाट पर बैठे हैं तुलसीदास जी,
भगवान श्री राम जी ने कहा, बताओ आप मेरे चरित्र रूपी जल को कौन सा गुण प्रदान करोगे? तुलसीदास जी बोले, प्रभु जिनके पास गुण है वो तो गुण प्रदान कर सकते हैं, मैं तो खुद अवगुण की खान हूं, मैं क्या गुण प्रदान करूं आपके चरित्र को। लेकिन आपने मांगा है, खाली हाथ आपको नहीं लौटाना चाहिए, गुण तो मेरे पास है नहीं, अवगुणों से भरा हुआ हूं, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपना एक अवगुण आपको दे दूं। मुझे अवगुण दोगे? बोले हां, ऐसा है प्रभु कि मेरा अवगुण आपके पास आते ही वो आपके लिए गुण बन जाएगा, सद्गुण बन जाएगा, और मेरा एक अवगुण कम हो जाएगा तो मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। बोले वो क्या? तो तुलसीदास जी बोले कि प्रभु देखो, जल निर्मल होना चाहिए ठीक है, जल शीतल होना चाहिए ये भी ठीक है, जल मधुर होना चाहिए ये भी ठीक है, जल गहरा होना चाहिए ये भी ठीक है, लेकिन एक बात बोलूं, जल पचने में हल्का भी होना चाहिए। जल के लिए हल्का होना ये गुण है, सद्गुण है कि भाई यहां का पानी बड़ा हल्का, जितना खाते हैं पच जाता है, पानी यहां का बहुत हल्का है। हल्का होना पानी का सद्गुण है, लेकिन हल्का होना आदमी का दुर्गुण है। किसी आदमी को यदि कि ये इंसान, ये आदमी तो बड़ा हल्का है, तो ये दुर्गुण है उसका, ये गाली है। पानी के लिए ये सद्गुण है, लेकिन आदमी के लिए वो दुर्गुण है। तो तुलसीदास जी बोले, प्रभु मेरे जैसा हल्का आदमी दुनिया में और कोई नहीं, मैं अपना यही अवगुण आपके चरित्र रूपी जल को प्रदान कर देता हूं, तो एक तो मेरा एक अवगुण दूर हो जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा, और आपके यह चरित्र रूपी जल को ये जो हल्कापना वाला गुण है ना, वो प्राप्त होते ही सुपाच्य हो जाएगा। वाकई तुलसीदास जी ने श्री राम के चरित्र को इतना हल्का बना दिया, यानी इतना सुपाच्य बना दिया, इजी टू डाइजेस्ट। वाकई राम जी का चरित्र पचने में बड़ा हल्का है। तो राम जी के चरित्र रूपी जल का ये बड़ा जो सद्गुण है वो सुपाच्य है। वो तुलसीदास जी के चलते जो शरणागति के घाट पर बैठे हैं, तो ज्ञान के घाट पर शंकर जी, भक्ति के घाट पर काकभुशुंडी जी, कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य महाराज, और शरणागति के घाट पर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं, और ये चारों चार घाट पर बैठकर राम गुणगान कर रहे हैं, भगवान के सुयश का बखान कर रहे हैं। आइए उनके साथ साथ थोड़ी देर हम भी भगवान के सुयश का गायन करते हुए, भज राधे गोविंदारे पगल, भज राधे गोविंदारे, राधे गोविंदारे पगल, भज राधे गोविंदारे, भज राधे गोविंदारे पगल, भज राधे गो राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद, तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए
भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा की कलियां और सभी दुख के कांटे, इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, इस जीवन में सुख की कलियां और सभी में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी साथी है झूठे जगत के, सब साथी है झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे पिंज
बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी श्री राधे
मन श्री Radhe 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 Rad
राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे मन श्री राधे मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे मन श्री राधे मन श्री राधे भज मन श्री राधे मन श्री राधे भज मन श्री राधे हरि बोल मन श्री राधे भज 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 मन श्री भज मन श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे गोविंद
ऐसा दिव्य श्री रामचरित मानस सर अपनी अपनी भूमिका के अनुसार और अपने हेतु के अनुसार किसी भी घाट का आप चयन कर लीजिए और इस सरोवर के साथ नाता जोड़ लीजिए। चाहे पान करिए, चाहे स्नान करिए, चाहे मन के मैले कपड़े को धोइए, चाहे बिल्कुल शरणागत बनकर भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के पावन नामों का स्मरण कीजिए। यहाँ परम शांति है, परम आनंद है। स्नान करने वाले ज्ञान के घाट पर आते हैं, पान करने वाले भक्ति के घाट पर। फर्क दोनों में यह है, पान करने वाला पानी को अपने में समाता है, पीता है पानी, और स्नान करने वाला अपने को पानी में समाता देता है। या तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की गहराई में तुम खो जाओ, विसर्जित हो जाओ, ब्रह्म रूप हो जाओ, या तो तुम सगुण ब्रह्म को अपने हृदय में बसा लो। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापधर, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह नील सरोरुह श्याम तरुण अरुज बारिज नयन, कर उस मम उर धाम सदा क्षीर सागर सहन। ये पीना है, भगवान को अपने हृदय में बसाइए, पीजिए राम कथामृत को, कथामृत को, या तो अपने आप को उस परम ब्रह्म में विसर्जित कर दीजिए, खो जाइए, मिट जाइए। न रहिए इस दुनिया में, या तो उस परमात्मा को हृदय में बसा लीजिए और उस रस में डूब जाइए, मगन हो जाइए, जैसे मीरा मगन हुई, जैसे चैतन्य मस्त हुए। या तो खो जाइए उस पर ब्रह्म में, स्वयं को विसर्जित कर दीजिए, जैसे आद्य शंकराचार्य जैसे ज्ञानी महापुरुषों ने स्वयं को उस परम चेतना में विसर्जित कर दिया। तो चारों घाट है, आप अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार किसी भी घाट का चयन कर लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार मान सरोवर की यात्रा कठिन है, उसी भांति मानस सरोवर की यात्रा भी कठिन है। वहां जाते समय अनेकानेक पर्वतों को पार करना पड़ता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए हैं, और विशेष करके भारत से गए हैं, पैदल गए हैं, उनका अनुभव है, बहुत से पर्वतों को पार करना पड़ता है। यहां इस मानस सरोवर की यात्रा पर आप आए, आपको भी बहुत से पर्वत पार करने होंगे। कौन से पर्वत? तुलसीदास जी कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। संसार के भिन्न भिन्न कामों की जो जंजाल है ना, आज ये काम है, कल वो काम आ गया, फिर वो काम आ गया, यही बीच में आने वाले पहाड़ है, उन पहाड़ों को नांग कर आना पड़ता। और पहाड़ का ऐसा है, एक पहाड़ को पार करो, लगता है कि बस इस पहाड़ के बाद तो दर्शन हो जाएगा मानसरोवर का, लेकिन इस पहाड़ की चोटी पर जैसे ही पहुंचते हो तो पता चलता है सामने एक दूसरा पहाड़ है, ललकार रहा है।
तो पहले पहाड़ को उतरो, दूसरे पहाड़ पर चढ़ो, मन में इसी आशा के साथ कि इस पहाड़ को पार करेंगे फिर तो मानसरोवर के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। लेकिन दूसरे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही पता चलता है सामने तीसरा पहाड़ तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। बस वैसा ही है घर के कामकाज के जंजाल का। पूरी पूरी कथा सुनने का मन कर रहा है कोई, लेकिन पहले दिन कोई काम आ गया इसलिए कथा में नहीं आ पाए। चलो सोचते हैं दूसरे दिन से जाएंगे। दूसरे दिन फिर कोई मेहमान आ गए तो कथा में नहीं आ पाए। सोचा तीसरे दिन से तो कथा का पूरा पूरा लाभ लेंगे। तब टेलीफोन आया कि वो जो माई थी ना 90 साल की, वो गई, तो फिर वहां जाना पड़ा। गृहकार जनाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। मार्ग में अनेक नदियां पड़ती है और वो नदियां पहाड़ों की नदियां हैं इसलिए बड़ी वेगवान है, प्रचंड वेग है उसका। और कहीं पांव फिसला और उस नदी के प्रवाह में आप गिरे बह जाओगे। तो यहां पर भी आते समय मार्ग में अनेक नदियों को पार करना होगा। सावधान, कहीं इसमें गिरे बह जाओगे। कौन सी नदी? बोले नदी कुतर्क भयंकर नाना। कुतर्क की नदी प्रचंड वेग वाली। भैया यहां तो श्रद्धा का स्थान है, तर्क और कुतर्क ये तो प्रचंड वेग वाली नदियां हैं, कहीं फिसले और कुतर्क में आप पड़ गए कि है भगवान क्या हकीकत में है, है तो किसने देखा है, ये सब लिखा है लेकिन हमको तो कभी दर्शन नहीं हुए इस तरह से, कैसे मान ले? मूर्तियां बोलती नहीं है, वो खाती नहीं है, बस हम भावना तो करते हैं, क्या वास्तव में भगवान जैसी कोई चीज है? कुतर्क में एक बार धंस गए, फिसल गए तो कुतर्क की वह नदी ऐसी प्रचंड वेगवान है, बह जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। संशयात्मा विनश्यति। अनेक जंगलों में होते हुए जाना पड़ता है और उसमें विषैले सर्प और हिंसक पशु भी रहते हैं। उनसे बचना पड़ता है, ये खतरा। तो यहां कथा में भी जब आप आते हो ना तो संसार के दुर्बुद्धि लोग मार्ग में खड़े हैं चौराहे पर या बैठे हैं, जय जय भैया कहाँ चले? बोले कथा में। कथा में? वाह तुम तो बड़े भगत हो गए यार, ये कथा वथा तुमने कब से शुरू किया और फिर भी तुम न मानो और कथा की ओर चले आओ तो कहे देखो देखो भगत जा रहा है, बड़ा भगत बन रहा है। बस यही हिंसक पशु है। तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। उनके ये जो वचन है बाघ और ब्याल की तरह, सर्प की तरह है, वह जहर उगलते हैं। उन सब से बचकर के मानस सरोवर की यात्रा करना, यहां तक पहुंचना और कोई उन सभी संकटों को, रुकावटों को, विघ्नों को पार करते हुए, नांगते हुए, फांदते हुए पहुंच भी जाए मान सरोवर तक तो जरूरी नहीं कि सब लोग स्नान करके ही लौटे। कई लोग वहां जाकर के, वहां पहुंच करके बीमार हो जाते, तेज बुखार और सर्दी लग जाती, स्नान नहीं कर पाते। तो आप भी यदि यहां तक कथा के पंडाल तक पहुंच गए तो ये नहीं समझना चाहिए कि जितने बैठे हैं सब सुन ही रहे हैं। बैठे तो सभी, सुनते कितने?
कईयों को यहां आकर के फिर निद्रा रूपी सर्दी बुखार सो जाते, या तो उनका मन इधर उधर घूमता, हम तो कथा में बैठते लेकिन कथा हमारे में नहीं बैठती, 3 घंटा कथा में बैठे लेकिन 3 मिनट की कथा हमारे अंदर नहीं बैठी, तो कथा श्रवण सार्थक कैसे होगा। छप्पन भोग के बीच में बैठ जाने से भूख नहीं मिटती, लेकिन 56 भोग नहीं, केवल 2 लड्डू थोड़ी सब्जी थोड़ी दाल थोड़ा भात हमारे भीतर बैठ जाए तब जाकर भूख शांत होती। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि पूरा पूरा रामायण छोड़ो, अरे सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। इसलिए तात सुनहु सादर मन लाई, मनोयोग से कथा सुने। वो जो लोग यहां तक पहुंचे फिर भी कथा नहीं सुने, नींद आ गई या दूसरे कुतर्क में बह गए या मन कहीं भटकने लगा, और फिर बिना नहाए वे मानसरोवर से वापस लौटते हैं तो सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो जाते हैं, यात्रा करी आए? बोले हाँ, धन्य है आप, आपकी तो यात्रा हो गई, मजा आया? बोले क्या खाक मजा, बहुत हैरान हुए, बहुत हैरान। तुम लोग यदि जाने की कोई योजना बना रहे हो तो रद्द कर देना भैया, बड़ी कठिन यात्रा। तो बस इसी तरह से शाम को जब घर पहुंचे और अड़ोसी पड़ोसी कोई, आप गए थे कथा में? बोले हाँ। मजा आया? बोले क्या खाक मजा, इतनी गर्मी। जो बहोरी कोई पूछन आवा तो सर निंदा करी ताही बुझावा। तो वह सरोवर की निंदा करके दूसरे आने वालों को भी रोकता है, लेकिन जिसकी कथा में रुचि है वो तो कहेगा अरे कितना आनंद, और व्यवस्था भी क्या बढ़िया करी है, इतनी धूप है लेकिन पंडाल में कहीं भी गर्मी नहीं होती, और दोपहर का खाना आह क्या कह, मजा। यदि नहीं आओगे तो गंवाओगे। जिसकी सत्संग में रुचि है, जिसने सुना है, जिसने स्नान किया है, वो तो दूसरों को भी प्रेरित करेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जो नहाई चह एही सर भाई सो सत्संग करहु मन लाई। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहता है वो मन लगाकर सत्संग करे। जिसकी सत्संग में रुचि है वो नहाएगा, वो स्नान करेगा, वो मौज करेगा, वो पूरा आनंद लेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। ऐसा यह मानस सरोवर, आओ अपनी अपनी भूमिका के अनुसार घाट का चयन कर लो, नहाओ, पान करो, मन के मैले कपड़े को धो। ऐसे आयोजनों में जो लोग कार्यकर्ता बनकर के हाथ बटाते हैं ना आयोजन में, वो लोग कर्म के घाट पर है, और उससे क्या होता है? बोले उनका मन बड़ा साफ हो जाता है, वो धोते हैं अपने मन के मैले कपड़े को, सत्कर्म से मन की शुद्धि होती है। तो चाहे जिस भी घाट पर चले आओ अपनी भूमिका के अनुसार। शंकर की वंदना करी, भवानी श्रद्धा रूप है, शिव विश्वास रूप है, बिना श्रद्धा और विश्वास के हम हृदयस्थ नारायण का अनुभव नहीं कर सकते। 3rd श्लोक में गुरुदेव की वंदना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रह सर्वत्र वंद्यते। जिनका चरित्र नित्य बोधमय है उस शिव रूप गुरुदेव को वंदन, जिनका आश्रित होकर के चंद्रमा बांका है फिर भी वंदनीय हो गया, नहीं तो चंद्र जब तक बांका होता है तब तक तो राहु भी उसको ग्रसता नहीं है, जब राहु ग्रस लेता है चंद्रमा को तो चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन किस दिन होता है वो?
बीज के दिन होता है, तीज में होता है क्या, चौथ में होता है क्या? नहीं, पूर्णिमा के दिन। जब तक चंद्रमा बांका है तब तक तो राहु भी उसको ग्रसता नहीं है। वक्र चंद्रमसई ग्रसई न राहु। जो टेढ़ा होता है उससे सब लोग दूर रहते हैं, और टेढ़े को हाथ भी जोड़ते हैं तो दूर से जोड़ते हैं, और जोड़ने की स्टाइल अलग होती है, यूं हाथ जोड़ते हैं। लेकिन चंद्रमा टेढ़ा होते हुए भी उसने शंकर जी का आश्रय किया, शंकर जी के ललाट पर विराजमान हो गया, तो शंकर जी के साथ साथ पूरी दुनिया उस टेढ़े चंद्रमा की भी वंदना करती। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे जैसा टेढ़ा कामी आदमी भी आज गुरु कृपा से जगत वंद्य हो गया। गुरुदेव को वंदन। चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम जी के गुणग्राम रूपी अरण्य में विहार करने वाले कवीश्वर वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी, ऋषि और वानर दोनों वन में रहते हैं, इसलिए वाल्मीकि ऋषि है और कपीश्वर हनुमान वानर रूप है, दोनों वन में रहते हैं। लेकिन किस वन में? बोले सीताराम जी के गुणगान रूपी अरण्य में विहार करने वाले कवीश्वर वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी को वंदन। पांचवें श्लोक में सीता जी को वंदन किया है। उद्भव स्थिति संहार कारिणिम क्लेशहारिणिम सर्वश्रेयस्करिम सीतां नतोहम रामवल्लभां। उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाली, सबका कल्याण करने वाली और सबके क्लेश को हर लेने वाली रामवल्लभा राम प्रिया श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। छठवें श्लोक में श्री राम जी की वंदना। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थितिर्शावताम् वन्देहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत है समग्र विश्व, ब्रह्मादि देव और असुर, जिनके माया रूपी सत्ता के चलते जो मिथ्या है वो भी सत्य प्रतीत होता है, जिस प्रकार रात्रि के घने अंधकार में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का भास होता है, बस उसी प्रकार जिस परब्रह्म परमात्मा में यह संसार भास रहा, जिनके चरणारविंद इस भवसागर से पार होने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए नौका के समान है, वे समस्त कारणों से पर इस संसार का परम कारण भगवान श्री राम को मैं वंदन करता हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। भिन्न भिन्न पुराणों, वेदों, उपनिषदों और वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायणों से सारी बातें एकत्र करके तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उसका भाषांतर कर रहा हूं। क्यों? स्वांत सुखाय, निजानंद के लिए, पुण्य कमाने के लिए नहीं, स्वर्ग की कामना से नहीं, स्वांत सुख के लिए।
तुलसीदास जी ने तीन हेतु स्पष्ट किए हैं रामचरितमानस के बालकांड में कि क्यों रचना कर रहा हूं। पहला हेतु स्वांतस सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। दूसरा हेतु भाषाबद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध जही होई। मेरे मन को बोध मिले, प्रबोध मिले, मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, इसलिए मैं भाषाबद्ध कर रहा हूं। न केवल भाषाबद्ध किया, उन्होंने गाया भी सुनाया भी। और उसका हेतु क्या? निज गिरा पावन करन कारण राम भजी सुनु शठ मना गनिका अजा मिल ब्याध। निज गिरा पावन करन कारण राम भजी सुनु शठ मना। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान श्री राम के निर्मल यश का गायन किया। तो गिरा पवित्र करने हेतु, मन को बोध मिले इस हेतु से और स्वांत सुख की कामना से तुलसीदास जी यह यात्रा कर रहे हैं। हम भी इसी भाव से यात्रा करते हुए आइए। संध्या बेला हो चुकी है, भगवान की आरती उतारने से पूर्व भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय करें ताकि हम भवनिधि से पार हो जाएं। यत पाद प्लवमेकमे वहि भवाम भोधे स्थितिर्शावताम। मेरे तो आधार सीताराम के चरणा राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद। श्री राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद। श्री राम के चरणारविंद राघव के
आइए भाव और प्यार से जय घोष करें, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सदगुरु हनुमंत बिरा